गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बीके सिंह। इट इज माय फोर्थ लेक्चर ऑन बायोलॉजी फॉर क्लास 8 ऑन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का स्टडी कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सीड के सोइंग से लेकर के सॉयल के प्रिपरेशन से लेकर के इरिगेशन से लेकर के सब चीज जो हम पढ़े, उसके बाद में आता है हार्वेस्टिंग। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप्स आफ्टर देयर मैच्योरेशन। कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर देयर मैच्योरेशन माने फसल के तैयार हो जाने पर उसको काटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो इतना सारा प्रोसेस हम किए, खेत में फसल लगाए और वो मैच्योर होकर के पक करके तैयार हो गया, तो उसको वहां से क्या करना होगा, काटना जरूरी है। वहां से काट करके कलेक्ट करना जरूरी है, नहीं क्योंकि फसल को लगाया किस लिए, इसी उद्देश्य को लिए की पूर्ति के लिए कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, फूड मटेरियल उससे उसका रिक्वायरमेंट हो। तो उचित समय पर एप्रोप्रिएट टाइम जब आ गया कटिंग करने का तो उस समय काटना जरूरी होता है। इसलिए हम बताए हैं कि हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप्स आफ्टर देयर मैच्योरेशन। जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसको काटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग इज डन बाय मैनुअली बाय यूजिंग सिकल। सिकल का मतलब क्या होता है, हसुआ। हसुआ देखे हो, हसुआ होता है काटने वाला है। तो गेहूं को काटने के लिए खेत में मैनुअली व्यक्तिगत ढंग से खेत में हसुआ से जब फसल तैयार हो जाता है ना, तो उसको ऐसे हसुआ से लेकर ऐसे काटा जाता है ना, काट काट करके एक जगह कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके उसको एक जगह बांध दिया जाता है, बांध करके खेत खलियान दरवाजे जहां पर ले जाना है उसको, वहां से ग्रेन को अलग करने के लिए ले जाते हैं। ये मैन्युअली करते हैं, इसलिए लिखे हैं कि हार्वेस्टिंग इज डन बाय मैन्युअली बाय यूजिंग सिकल। हसुआ का यूज करके काट सकते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, क्योंकि मैन्युअली करने में टाइम टेकिंग है, समय की बर्बादी है, समय ज्यादा लगेगा, मैन पावर ज्यादा लगता है। तो मैन पावर को रिड्यूस करने के लिए यह हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है यह मशीन के द्वारा भी किया जा सकता है। Hence, हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो डन बाई मशीन दैट इज नोन एज हार्वेस्टर। यानी हार्वेस्टर इज द मशीन विच इज यूज फॉर हार्वेस्टिंग मैच्योर क्रॉप। तो मशीन का यूज करते हैं, हार्वेस्टर का यूज करते हैं। तो चाहे मैनुअली सिकल के माध्यम से हो या मशीन के माध्यम से हो, मशीन का ये छोटे पैमाने पर यूज होता है, स्मॉल स्केल पर। और लार्ज स्केल पर अगर कटिंग करना है तो किसका यूज करना है, हार्वेस्टर का यूज करना पड़ता है लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने पर। तो किसी तरह से इसको क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अब यह हार्वेस्टिंग अगर हो गया तो जो गेहूं का हार्वेस्टिंग किए, तो गेहूं के डंठल के साथ, उसके स्ट्रॉ के साथ, उसके हस्क के साथ उसका सीड लगा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट है कि उसके सीड को उससे अलग करना है। तो सब प्रोसेस का अलग अलग, सब टेक्निक का अलग अलग क्या नाम है, नहीं तो जो हार्वेस्टिंग हो गया, तो हार्वेस्टिंग के बाद का जो स्टेप आता है उसको थ्रेसिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग के आगे का प्रोसेस क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। यानी थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन और सीड्स फ्रॉम हस्क और स्ट्रॉ। ठीक है, लिखे देखो, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम द हस्क और स्ट्रॉ इन नोन एज थ्रेसिंग। एंड थ्रेसिंग इज द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट सीड्स और ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। हस्क देखो, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर गेहूं के सीड के ऊपर, नहीं या धान हो तो उसके ऊपर, बीज के ऊपर जो ये सूखा हुआ स्ट्रक्चर उसका मिल जाता है लीफ लाइक, उसको अलग करना है पुआल के साथ, उस सीड को क्या करना है, अलग करना है। तो उसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है,
तो इसके उसका डंठल अलग हो जाता है और सीड उसका अलग हो जाता है। लेकिन थ्रेसिंग करने पर जो सीड अलग होता है तो उसके साथ साथ और बड़ा बड़ा पार्टिकल्स तो ये डंठल जो है तो अलग हो गया, लेकिन सीड के साथ उसका भूसा अभी और भी चाहिए और भूसा और सही से उसमें लगा हुआ रहता है ना, तो उसको भी अलग करने का प्रोसेस आगे अपनाया जाता है। तो थ्रेसिंग इज डन बाई बीटिंग द क्रॉप ऑन द थ्रेसिंग फ्लोर, ये ट्रेडिशनल मेथड है, बीटिंग द क्रॉप ऑन द ये थ्रेसिंग फ्लोर। इसमें क्या होता है कि धान को अलग करना है तो कलेक्ट कर लेते हैं, धान को कलेक्ट करके और उसका इतना इतना मोटा मोटा इतना इतना क्या करते हैं उसका एक जगह बांध देते हैं, है ना, बांधने गांव में कहते हैं कि पुला बना गया उसको, उसको बांध दिया जाता है और बांध करके उसको एक ठो हार्ड सरफेस या पटरी है ना चौकी भी रख दिया जाता है, उस पर भी गांव में क्या करते हैं एक लेबर उधर से एक इधर से लेकर के और उसको पीटते हैं इस पर ऐसे उठा उठा करके क्या करना है पीटना है। जब उसको पीटते हैं तो उसे अनाज क्या होता है अलग हो जाता है, तो अनाज अलग हो जाता है। तो इसलिए क्या लिखा है क्या कि बीटिंग द क्रॉप्स ऑन द थ्रेसिंग फ्लोर, थ्रेसिंग फ्लोर को पीट करके उसको अलग कर सकते हैं। गेहूं को अलग करना है एक और तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड ही होता है कि क्या करते हैं कि खलिहान में ये धान का गेहूं का फिर चारों तरफ से फैला दिया जाता है, बीच में खंभा लगा करके उस पर 8-10 बैल को चारों तरफ से घुमाया जाता है, इसको कहते हैं दौनी करना, सुनेंगे गांव में लोग कहते हैं दौनी हो रहा है। तो इसको करने से क्या होता है कि पुआल अलग हो जाता है और सीड कुछ उसके जो उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल से उसको काफ करते हैं उसके साथ वह मिला रहता है ना। तो किसी तरह से एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया कि बीटिंग द क्रॉप ऑन द थ्रेसिंग फ्लोर, उसको पीट करके उसको अलग करते हैं। और सेकेंड मेथड क्या हो गया अभी बताया, जो एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया तो मेथड डेवलप हो गया तो समय की बचत होगी, उसका मेन एम यही है कि सेव करता है टाइम को सेव करता है, अब मशीन से हो रहा है। और थ्रेसिंग का काम जिस मशीन से करते हैं उसका नाम है कंबाइन मशीन, कंबाइन मशीन ए टाइप ऑफ मशीन विच इज यूज फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग दोनों काम करता है इसलिए इसका नाम रखा गया कंबाइन मशीन। तो कंबाइन मशीन का यूज करके थ्रेसिंग का काम कर देते हैं। अब देखो धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है, अब पूरा पुआल के साथ था डंठल के साथ था अलग हो गया, अब उसमें थोड़ा फस ये अलग हुआ तो काफ उसमें लगा हुआ छोटा सा भूसा, भूसी जिसको कहते हो स्मॉल पार्टिकल्स उस गेहूं के साथ या धान के साथ किसी के साथ रहता है और उसको क्या करना है सेपरेट करना है। तो उसको सेपरेट करने का जो तरीका होता है तो उसको विनोइंग कहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हो विनोइंग। विनोइंग विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लूजन कार्फ फ्रॉम द ग्रेन इज कॉल्ड विनोइंग, लिखिए ना, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लूजन कार्फ फ्रॉम द ग्रेन इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग को साधारण बोलचाल की भाषा में ओसौनी करने कहते हैं, ओसाना, खेत में क्या करते हैं इसको ओसौनी करते हैं। ओसौनी कैसे होता है, डगड़ा में सूप में उस जो ये थ्रेसिंग वाला जो अनाज होता है उसको क्या कर उठा लेते हैं, अब मैनुअली करने में उसमें डाल करके हवा का झोंका जो कहता है ना, हवा जब आने लगे तो उसको ऐसे ले करके उसको ऐसे ऐसे गिराया जाता है, गिराया जाता है। तो गिराने से क्या होगा, जो हल्का पार्टिकल्स है वो एयर के प्रेशर से दूर गिरेगा और जो ग्रेन्स है जो सीड्स है ग्रेन है भारी है वह सरफेस पर सीधा नीचे गिरेगा, इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं हम अलग कर सकते हैं, इसलिए प्रोसेस को विनोइंग करते हैं। विनोइंग का काम यह भी मशीन से भी होता है और ये मैनुअली भी किया जा सकता है। जब विनोइंग हो गया तो समझो कि एक तरह से बहुत फ्रेश सीड ऑब्टेन हो गया, फ्रेश सीड प्राप्त हो गया। तो विनोइंग के बाद एक और प्रोसेस है हॉलिंग, नहीं नाम सुनोगे हॉलर भेज दिया हॉलर ने, है ना, गांव में कहते हैं हॉलर लगा हुआ है तो हॉलर, तो इसको कहते हैं हॉलिंग। तो हॉलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द आउटर कवरिंग ऑफ द ग्रेन ऑन द सीड्स। अब देखो सब भूसा भूसी सब अलग हो गया, आपके पास धान मिला, धान के ऊपर धान का मिला कवर है कि नहीं है, है ना, उसके नीचे ना चावल है
और उसको उसके कवर को तो एयर के प्रेशर से अलग नहीं कर सकते हैं, और उसको अलग उसको जो अलग करते हैं तो वह प्रोसेस क्या कहलाएगा, हॉलिंग कहलाता है। नहीं इसलिए कहता है देखिए कि हॉलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द आउटर कवरिंग ऑफ द ग्रेन्स, ग्रेन के ऊपर का जो कवरिंग हो, सीड के ऊपर का जो कोट हो, उस कोट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वह प्रोसेस क्या होता है, हॉलिंग कहलाता है। ठीक है, तो हॉलिंग भी यानी दोनों मैन वाली मशीन दोनों के माध्यम से यह किया जा सकता है, हॉलिंग का काम बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर जब भी हो उसमें मशीन यूज करना है। और जैसे मैंने और भी प्रॉपर यूज के लिए उसको सेपरेट अलग रखना है, जैसे मान ले गेहूं मिल गया आपको है ना, तो इतना सब प्राप्त करने के बाद उसको ड्राइड किया जाता है, सन में सुखाया जाता है, सुखाने के बाद अपने यूज करना है, यूज के लिए मिलिंग प्रोसेस का नाम क्या है, मिलिंग। अब इसको देखो, अब ग्रेन मिल गया और ग्रेन को पाउडर के समान बना दिया जाए, मतलब फ्लोर बना दिया जाए, आटा बना दिया जाए, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, मिलिंग, ग्राइंडिंग द ग्रेन्स इनटू फ्लोर, ग्रेन को ग्राइंड मैंने पीस देना, तो उसको पीस करके आटे का फॉर्म बदल देते हैं आटे के रूप में, तो उसको क्या कहते हो, मिलिंग कहते हो। तो ये जितने प्रोसेस पढ़े ये सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। अब देखो इतना मेहनत करने के बाद सीड आपको मिला, इतना प्रोसेस करने के बाद उसका किसी फ्रूट मिला, कोई सीड मिला, कोई ये क्या कहते हैं ग्रेन्स प्राप्त हो गए, और उसको बढ़िया से अगर स्टोर नहीं किया जाए, जमा नहीं किया जाए, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट होता है उसको एक बार तो नहीं खा लेंगे हम, साल भर के लिए अगर प्रोड्यूस करते हैं खेत में उपजाते हैं तो खा नहीं जाते हैं, या हम उसका प्रोडक्शन करते हैं तो सब जगह जरूरी है, जहां जहां नहीं है मार्केटिंग में देना होगा, जिस स्थान पर नहीं होता वहां पर भेजना पड़ता है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, उसको स्टोर करना होगा, एक बार सब सप्लाई नहीं हो सकता है, उसको जमा करना होगा। Hence, स्टोरिंग इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, स्टोरिंग जमा करना जरूरी है। खेत में अनाज हो गया, उसको कलेक्ट कर लिए, और उसके भी उसको भी प्रोटेक्ट अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारा उसका पार्ट्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे रोडेंट्स कुतर कर खाने वाले रोडेंट्स, जैसे स्क्वायरल गिलहरी है, ये रैट्स नहीं चूहा है, इस सब क्या करता है, उसको बर्बाद कर देता है ना। तो इस तरह से स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए भी ये क्या कहते हैं साइलों में, ग्रेनरीज में, इस सब में उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और स्टोर करने का भी तरीका ठीक ढंग से होना चाहिए। स्टोर हाउस अगर अच्छा ढंग से नहीं हो, स्टोर हाउस ऊपर से वाटर उसमें सीपेज करता हो, स्टोर करेंगे तो क्या होगा, उसके चलते वह बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा नहीं। या इस तरह से ग्रेन को स्टोर किए हैं, बोरा में ही अगर स्टोर कर देते हैं, पैकेट बैग में पैक करके रख देते हैं, है ना, एक घर में रूम में रख दिया गया, लेकिन उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करने का समय नहीं मिला, देखने का समय नहीं मिलता है, तो क्या होता है कि चूहा हुआ जो मिलेगा उसको क्या करता है, बर्बाद कर सकता है नहीं। तो ऐसा होना चाहिए, इस तरह से साइलो व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अनाज को रखते हैं, कि समय समय पर उसका ऑब्जर्वेशन हो गया, घूम जाए, घूमे देखो, बीच बीच में क्यारी जैसा होना चाहिए, घूम घूम कर उसको देखो, और जहां अगर वह डैमेज लगेगा तो डैमेज लगेगा तो उसके लिए उसके भी मेडिसिन होना है, उसके लिए फ्यूमिंग फ्यूमिगेशन होता है, छिड़काव किया जाता है, पेस्टिसाइड्स वहां भी बने हुए हैं नहीं, पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल्स यूज होता है उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं, तो पेस्टिसाइड्स का भी यूज करते हैं नहीं, अगर देख लेते हैं इस तरह से प्रभावित हो रहा है तो उसको ठीक ढंग से बचा कर रखने का उपाय करते हैं। तो स्टोरेज अगर बढ़िया से करेंगे तो हम लोग का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो फूड मटेरियल प्राप्त करने का, वो ठीक ढंग से क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इतना मेहनत करने के बाद, इतना प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या होता है, समाप्त होता है। देखो फार्मर इतना मेहनत करते हैं, हम लोग यहाँ पर खरीद कर खा लेते हैं, कहेंगे चलो खरीद कर खा लेंगे, कहां से खा लेंगे, तो इतना प्रोसेस से गुजरते हैं फार्मर, उस पर भी क्या करना है, ध्यान देने की जरूरत है ना, उनको भी उचित मूल्य पर है ना, कम दाम पर सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध है उसके माध्यम पर ये सारे व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए, तब जाकर प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, तब जितनी संख्या में अधिक संख्या में जो जनसंख्या बढ़ रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन रेट है, और उसके उसकी आवश्यकता की पूर्ति ठीक ढंग से हो सकती है नहीं,
इसमें एक और पढ़ाने के क्रम में आपको बताए थे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, है ना। वो एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि एटमोस्फियर के नाइट्रोजन को क्या करता है वो नाइट्रेट में बदलता है। बताया था कि डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज कोई प्लांट नहीं कर पाएगा जब तक वो नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो नाइट्रोजन का ये नाइट्रेट में कन्वर्शन जो होता है, लाइटनिंग के माध्यम से बिजली चमकती है ना, उसके माध्यम से नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, हाइड्रोजन से मिलेगा अमोनिया बनेगा, मतलब तरह तरह के ये कंपाउंड जब बनेंगे ना वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होंगे तब प्लांट उसको यूज कर सकता है। और एक और बताए थे कि दाल वाला जो पौधा होता है, लेग्यूम प्लांट के जो दाल दलहन वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट के नूडल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वह एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, है ना, और ये सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को फुलफिल करता है, नाइट्रोजन के अमाउंट को पूरा करता है जिसको प्लांट उसको क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो नाइट्रोजन साइकिल भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए एक अहम भूमिका निभाती है ना। यही आपका क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हुआ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। और इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर जो हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आज क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर क्या करो कि अपना नोट्स तैयार करो, बुक तो सब किसी पास अवेलेबल हो गया होगा, इसमें बहुत सारे चीज आपका डिफिनेशन हम लिख भी चुके हैं, इसको भी लिखो और बुक निकाल कर पढ़ो, उसमें जो इम्पोर्टेंट लगे लाइन उसको नोट करो। इससे क्या होगा कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाने में हेल्प होगा और बुक के अंत में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाओ, उसमें भी हेल्प मिलेगा। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगा हमसे कॉन्टेक्ट करो, मेरा मोबाइल नंबर है 9931978803, इस पर कॉन्टेक्ट करो। थैंक्स।